आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज नॉट एक्सट्रैक्टेड बाय लीचिंग। तो गाइस, लीचिंग प्रोसेस हमें पहले पता होना चाहिए क्या होता है। देखिए, लीचिंग प्रोसेस क्या होता है, ये मतलब एक हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमारा जो ओर होता है और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है, तो उनके अंदर डिफरेंस होना चाहिए किस टाइप का, सोल्यूबिलिटी का, ठीक है गाइज। तो लीचिंग के मामले में क्या होता है कि अगर हम इसको क्या कर देते हैं, किसी भी कंपाउंड को लीच करना चाहते हैं, तो जो ओर है वो क्या होना चाहिए, हमारा सोल्यूबल होना चाहिए पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है, और इम्प्योरिटीज़ क्या होनी चाहिए, इनसोल्यूबल। ये लीचिंग की कंडीशन होती है, ताकि उसके बाद हम मिक्स करने के बाद जब उसकी रिफाइनिंग करें या फिर डिस्टिलेशन करें तो वो, या फिर उसकी सॉरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करें, तो क्या है कि सेपरेट सेपरेट हो जाए। तो देखिए लीचिंग के अंदर क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर हम इसकी लिखते हैं तो मेटल्स होता है, तो जो मेटल है मान लो उसके 4 मोल्स हम यहाँ पर लेंगे और 8 मोल्स ऑफ NaCN, जो कि यहाँ पर हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट का काम करेगा, मतलब जिसके साथ हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे ओर का, ठीक है। और गाइस, ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में क्या होती है, ये रिएक्शन कैरी आउट होती है। तो यहाँ पर देखिए 4 मोल्स ऑफ मेटल जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, Na के साथ रिएक्शन करेगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा मेटल CN की ट्वाइस, ठीक है गाइस। तो ये जो रिएक्शन होगी, प्लस इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ निकल जाएंगी, प्लस यहाँ पर 4 मोल्स ऑफ NaOH हमारे बाहर निकल जाएंगे, तो गाइस ये एक बैलेंस इक्वेशन होगी हमारी, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बन गया, इसके अंदर हमारा मेटल आ गया, ठीक है। तो इस मेटल को हम कैसे सेपरेट करेंगे, देखिए इसका हम डिस्प्लेसमेंट कर देंगे मोर रिएक्टिव मेटल के साथ। मान लो हमने यहाँ पर जिंक के साथ कर दिया, अगर यहाँ पर क्या होता, गोल्ड सिल्वर एल्यूमिनियम टाइप कंपोनेंट्स होते, तो ठीक है। तो देखिए Na2 जिंक CN4, ये हमारा हो गया प्लस 2 मेटल्स, ओके गाइज। अब यहाँ पर हम इस रिएक्शन को देख के क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि कैसे, पहले तो हमने मेटल यहाँ पर जो था उसको साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया, फिर उसमें से प्योर मेटल निकालने के लिए हमने मोर रिएक्टिव मेटल की हेल्प ली, ठीक है गाइज। तो ये हमारा क्या हो गया, लीचिंग प्रोसेस। तो गाइज ये उन कंपोनेंट्स में ही यूजफुल होता है जिनमें ओर्स वाटर्स या फिर सॉल्वेंट सोल्यूबल होते हैं एंड इम्प्योरिटीज़ इनसोल्यूबल। तो गाइज यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम, सिल्वर और गोल्ड जो हैं वो क्या है, सॉल्वेंट सोल्यूबल है मोस्टली, ठीक है। बट मरकरी क्या है, सॉल्वेंट इनसोल्यूबल है, मतलब इसकी इम्प्योरिटीज़ जो है, मतलब हमारी कंडीशन क्या है कि सॉल्वेंट जो है उसके अंदर ओर मिक्स हो जाना चाहिए, बट जो इम्प्योरिटी है वो मिक्स नहीं होनी चाहिए। तो मरकरी क्या है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो गाइज हमारा यहाँ पर बी क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर। थैंक यू गाइज। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।